नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज। राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। कलेक्टर साहब बन गए डॉक्टर साहब, पहले जिले को संभालते थे, अब मरीजों को देख रहे हैं। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, यह कहावत पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। बूंदी में जहां बूंदी जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी में डॉक्टरों की हड़ताल के बीच बिना कोई बयानबाजी के सीधे अपना धर्म निभाना शुरू कर दिया है। जी हां, बूंदी कलेक्टर पेशे से एक डॉक्टर भी हैं और यही वजह है कि कलेक्टर साहब ने अब सरकारी कामकाज को साइड करके मरीजों को देखना शुरू कर दिया। जहां एक और राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में देश भर के डॉक्टर अपना इंसानियत का धर्म भूल चुके हैं और जीवन रक्षक के बजाय भक्षक बने हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस IAS अफसर ने एक अनोखी मिसाल पेश की है कर्तव्य निष्ठा की, ईमानदारी की और इंसानियत की। बूंदी कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी के इस जज्बे को लोग सलाम कर रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल के बीच परेशान होते बूंदी के मरीजों का दर्द जिलाधीश साहब से देखा नहीं गया और वे अपना स्टेथोस्कोप लेकर मरीजों की तीमारदारी में जुट गए। कलेक्टर साहब ने बूंदी जिला चिकित्सालय के ट्रोमा वार्ड में अपनी सेवाएं प्रदान की है। देखते ही देखते कलेक्टर साहब का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। या एक और लोग इस IAS अफसर की दिल से तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की निंदा की जा रही है। एक प्रशासनिक अधिकारी के इस मानवीय जज्बे को CM गहलोत ने भी सलाम किया है। CM ने ट्वीट किया, ऐसे ही सेवा भाव व समर्पण से चिरंजीवी हो रहा है राजस्थान। डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, आपका ये जज्बा प्रशंसनीय है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कमेंट दिए हैं। एक यूजर ने लिखा, कलेक्टर साहब की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मानव जीवन सेवा की सबसे बड़ा धर्म है। वहीं एक और ने लिखा, बहुत ही सराहनीय कदम है, हमें आप पर गर्व है। यूजर्स ने उन्हें सच्चा डॉक्टर बताया, यह बहुत सराहनीय पहल है। जहां एक और चिकित्सकों की हट जारी है, वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है, प्रदेश में जनता को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जनहित में राइट टू हेल्थ बिल लाया गया है। इसके अंतर्गत इमरजेंसी में इलाज का खर्चा संबंधित मरीज द्वारा वहन नहीं करने की स्थिति में पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि बूंदी कलेक्टर की यह पहल आने वाले समय में डॉक्टरों के पत्थर दिल का क्या असर डालती है। फिलहाल तो यह मरीज DM साहब को दुआएं दे रहे हैं और DM साहब उन्हें दवा दे रहे हैं।